टॉप फाइव स्लिम फोन्स इन 2020 बता देता हूँ। बताने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपने वीडियोस नहीं चेकआउट की 4K कैमरास की तो यार चेकआउट कर लेना। इस मंथ के ना दी बेस्ट 4K कैमरा है। अगर आप सर्च आउट कर रहे हो 4K कैमरास तो आई बटन में लिंक दे दूंगा। आई बटन में लिंक ना हुआ तो मेरे चैनल को क्लिक आउट करना, प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में देख लेना, स्मार्टफोन लिखा होगा उसमें वीडियोस वगैरह सभी हैं। इस मंथ के दी बेस्ट है, 10,000 से फ़ोन से लेके 16,000 तक मैंने वीडियोस की हैं, प्लस 4K कैमरास की है की भी वीडियोस की हैं। तो आज हम करेंगे स्लिम फोन्स की 2020 में दी बेस्ट स्लिम फ़ोन। जितने भी फ़ोन बताऊंगा दी बेस्ट फ़ोन होने वाले हैं, तो स्किप आउट मत करना, वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रो कर दूं यार। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन औजला, वेलकम टू द औजला दी अनबॉक्सिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है यार मेरे चैनल पे। अगर चैनल पे नए आए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, एंड इंस्टाग्राम पे कर लो फॉलो। लिंक वगैरह यार सब कुछ दिया हुआ है, चेकआउट कर लेना भाई। नंबर 5 की बात करते हैं, तो नंबर 5 पर आता है ओप्पो रेनो 4। दी बेस्ट फ़ोन है, स्लिम फ़ोन है, अल्ट्रा स्लिम आपको देखने को मिल जाता है। इसका डिज़ाइन हो गया, इसके कलर हो गए, ओप्पो फ़ोन है तो यार कैमरा भी तो दी बेस्ट होने वाला है, प्लस इसकी डिस्प्ले भी बहुत ज़्यादा सही है। अगर आप इसकी और जाना चाहते हो जा सकते हो, आपके लिए दी बेस्ट है। अगर आप स्लिम फ़ोन लेना चाहते हो, स्लिम फ़ोन के लवर हो, आपको पसंद है, मुझे भी पसंद है, हर एक बंदे को पसंद होता है यार, अगर आप हो तो इसकी और जा सकते हो। स्पेसिफिकेशन की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ आपके साथ। सबसे पहले बात करते हैं यार डिस्प्ले की। डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंच एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, प्लस 3D बॉर्डरलेस स्क्रीन आपको इसमें देखने को मिलती है। इसकी स्क्रीन साइज मैंने आपको पहले भी बताया दी बेस्ट है, ठीक है। प्लस आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन इसमें मिल जाती है, जो कि बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। प्रोसेसर की बात करूँ तो स्नैपड्रैगन SDM720G ऑक्टाकोर प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बात कर लेते हैं तो 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है, एक्सपेंडेबल आप कर सकते हो 256GB तक, ठीक है। बैटरी की बात करूँ तो 4000mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस 25W का आपको फास्ट सुपर वॉश जेटा चार्ज मिल जाता है, ठीक है। कैमरे की बात करूँ तो क्वाड कैमरा आपको इसमें देखने को मिलता है, 48MP प्लस 8MP प्लस 2MP प्लस 2MP। बात करें सेल्फी की तो 32MP आपको फ्रंट पंच होल कैमरा देखने को मिल जाता है। फुली लोडेड फ़ोन है, चाहे फंक्शंस को देख लो, चाहे डिज़ाइन को देख लो, तो चाहे डिस्प्ले को देख लो, ठीक है। दी बेस्ट फ़ोन है, अगर आप इसकी और जाना चाहते हो आपके लिए दी बेस्ट है, ठीक है। तो लिंक मैं इसका दे दूंगा, अगर आपने चेकआउट करना है, सिर्फ देखना चाहते हो तो आप देख भी सकते हो। फीलिंग लेनी चाहिए यार बंदे को, ठीक है, एक बार ही चेकआउट जरूर कर लेना, आपको पसंद आएगा, ठीक है। नंबर 4 की बात कर लेते हैं। नंबर 4 की बात करते हैं, नंबर 4 पर आता है एफ़ सीरीज़ की ओर से, मतलब ओप्पो का ही फ़ोन्स है, लाइक एफ़ सीरीज़ इनकी आती है। नाम बता देता हूँ, ओप्पो F70 Pro दी बेस्ट फ़ोन है, आपको मिल जाता है। अगर आप इसकी और जाना चाहते हो आप इसकी और भी जा सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा सही चीज़ मिल जाती है। लाइक एफ़ सीरीज़ जितनी भी आती हैं, इनकी पुरानी एफ़ सीरीज़ भी बहुत ज़्यादा वो चली थी, ठीक है, लोगों ने बहुत पसंद किया था उसको। अगर आप इसकी और जाना चाहते हो आप जा सकते हो, बहुत सही चीज़ मिल जाती है, बहुत सही है ना। तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन की। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूं तो मीडियाटेक हीलियो P95 आपको इसमें देखने को मिलता है। स्टोरेज की बात करूं तो 8GB रैम प्लस 128GB देखने को मिल जाती है, प्लस आप एक्सपेंडेबल भी कर सकते हो 250GB तक, ठीक है। बैटरी की बात करूं तो 4015mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस 30W का आपको वॉस फ्लैश चार्ज मिल जाता है, ठीक है। कैमरे की बात करूं तो 48MP प्लस 8MP प्लस 2MP प्लस 2MP। सेल्फी की बात करूं तो सेल्फी कैमरा आपको ड्यूल सेल्फी मिल जाती है, 16MP प्लस 2MP। स्लिम फ़ोन के साथ अगर आप पिक्चर्स वगैरह लेना चाहते हो, पसंद करते हो उस चीज़ को, तो आपके लिए भी लोडेड फ़ोन है। इसका कैमरा बहुत ज़्यादा सही है, फ्रंट कैमरा बहुत ज़्यादा सही है, आपको डुअल फ्रंट मिल जाता है। तो अगर आप एफ़ सीरीज़ की ओर जाना चाहते हो तो आपके लिए ये भी दी बेस्ट है, आप इसकी और भी जा सकते हो। इसका भी मैंने लिंक दिया, अगर आपने चेकआउट करना है तो चेकआउट कर लेना, अगर आपने परचेज़ करना तो आप परचेज़ भी कर सकते हो, आपके लिए दी बेस्ट है, ठीक है। नंबर 3 की बात कर लेता हूँ। नंबर 3 की बात करते हो यार, नंबर 3 पर आता है वीवो की ओर से S7। लाइक मैंने ना इसको देखा था गूगल पर सर्च आउट किया था, तो मेरे सामने ये फ़ोन आया था। जब मैंने स्लिम फ़ोन की सर्च आउट कर रहा था ना, तब मेरे सामने फ़ोन आया, मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन जब मैंने अमेज़ॉन पर सर्च किया मुझे इसका लिंक नहीं मिला, मुझे नहीं पता क्यों नहीं मिला। एंड
अगर आपको चाहिए तो आप चेकआउट कर लेना, ऑफिशियल साइट पे देख लेना, अगर मुझे लिंक मिल गया तो मैं डाल दूंगा, एक बार ही चेकआउट कर लेना, शायद मैंने डाल दिया होगा जब तक आप वीडियो देखोगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले की बात करें तो 6.44 इंच एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करो तो स्नैपड्रैगन 765G आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। स्टोरेज की बात करूँ तो 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करूँ तो 4000mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस 33W का जो फास्ट चार्जर आपको इसमें देखने को मिल जाता है। कैमरे की बात करूँ तो 64MP प्लस 8MP प्लस 2MP आपको कैमरा मिल जाता है, ट्रिपल कैमरा, ठीक है। फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो आपको फ्रंट में डुअल मिलता है 44MP प्लस 8MP। तो कैमरा इसका भी दी बेस्ट है, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, पोको हो गया, लाइक ये ब्रांड ऐसे है कि आपको कैमरा वगैरह अच्छा मिल ही जाता है एंड कम प्राइस में आपको अच्छे फीचर्स वगैरह भी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये फ़ोन दी बेस्ट होते हैं, अगर आप इनकी ओर जाना चाहते हो आप जा सकते हो, वीवो की ओर आपने जाना है तो आप ले सकते हो वीवो S7। बात कर लेते हैं नंबर टू की बात कर लेते हैं। नंबर टू पर आता है आईफोन की ओर से फ़ोन, तो नाम बता देता हूँ, नाम है iPhone SE, दी बेस्ट फ़ोन है। अगर आप इसकी ओर जाना चाहते हो, आपका बजट 30,000 है तो आप इस फ़ोन की ओर जा सकते हो। आपको डिज़ाइन अच्छा मिल जाता है, आपको कलर्स वगैरह बहुत अच्छे मिल जाते हैं, स्लिम डिज़ाइन मिल जाता है, इसका कैमरा बहुत सही होता है, इसका डिस्प्ले बहुत सही होता है, जो कि दी बेस्ट ऑप्शन आपको मिल जाती है। बैटरी लाइफ की बात करूँ तो बैटरी लाइफ मुझे थोड़ी सी कम लगती है लाइक, लेकिन आपको इसके साथ यार फास्ट चार्जर मिल जाता है जो कि सही है, आपका जो फ़ोन है वो जल्दी चार्ज कर देता है। थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, डिस्प्ले की बात करूँ तो 4.7 इंच रिटीना IPS LCD आपको इसमें देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूँ A30 बायोनिक चिपसेट आपको इसमें देखने को मिलता है। स्टोरेज की बात करूँ तो यार 3 वेरिएंट में आता है, जो भी आपके प्राइस रेंज में आप सही बैठता है तो आप उसको परचेज कर सकते हो। वैसे बता दूँ आपको 3GB रैम देखने को मिलती है। बैटरी की बात करूँ तो फास्ट चार्ज आपको देखने को मिलता है, मतलब सपोर्ट करता है, प्लस वायरलेस चार्ज भी सपोर्ट कर देता है। कैमरे की बात करूँ तो 12MP देखने को मिलता है, प्लस 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो आपको बैक कैमरे में। बात करें सेल्फी की, आपको 7MP सेल्फी देखने को मिल जाता है, पर यार 4K वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप फ्रंट में, बैक में आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा दी बेस्ट होता है, चाहे इनका पोर्ट्रेट हो गया, ठीक है, चाहे इनका जो भी नाइट मोड हो गया, वो पिक्चर्स वगैरह क्वालिटी वगैरह बहुत ज़्यादा सही होती है, वीडियो क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा सही होती है। मेरे दूसरे चैनल पे मैंने व्लॉग किया था iPhone X से किया था, तो उसको चेकआउट कर लेना, वो बहुत ज़्यादा सही होगा, आपको पता चल जाएगा कि आईफोन की क्वालिटी वगैरह कैसी होती है, अगर आपको नहीं पता, ठीक है। वैसे तो सभी लोगों को पता ही है यार, सिनेमैटिक वीडियो भी शूट करती है दुनिया आईफोन से। स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं यार नंबर 1। तो अब बारी आ गई यार नंबर 1 की। नंबर 1 की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दी बेस्ट फ़ोन है यार, दी बेस्ट फ़ोन मुझे बहुत पसंद है, सो दैट्स वाई इसको नंबर 1 पे रखा हुआ है। नाम बता दूं? नहीं यार, नाम नहीं बताता, आप खुद चेकआउट कर लेना, अगर मैंने पिक्चर डाली तो आपको आइडिया हो जाएगा, पता चल जाएगा आपको कैसा फ़ोन है कैसा नहीं। अगर नहीं पता तो बता दूं कि फ़ोन फोल्ड होता है, डबल स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है, प्लस स्टाइलिश डिज़ाइन मिल जाता है, जितने भी कलर्स आते हैं दी बेस्ट कलर्स हैं, एंड फुली लोडेड फ़ोन है। अगर जाना चाहते हो इसकी और आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। डिस्प्ले की बात करें तो आपको डुअल डिस्प्ले देखने को मिलती है, 7.16 इंच प्लस 6.20 इंच, ठीक है। प्रोसेसर की बात करूँ तो स्नैपड्रैगन 865 प्लस आपको देखने को मिलता है। स्टोरेज की बात करूँ तो 12GB रैम मिलती है, प्लस 256GB आपको स्टोरेज इसमें देखने को मिल जाती है। बैटरी की बात करूँ तो 4500mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। कैमरे की बात करूँ तो 12MP प्लस 12MP प्लस 12MP ट्रिपल कैमरा आपको इसमें देखने को मिल जाता है। सेल्फी की बात करूँ तो आपको ड्यूल सेल्फी भी मिल जाती है, 10MP प्लस 10MP। तो मैंने आपको स्पेसिफिकेशन सभी बता दिए, लाइक मेन बता दिए, जो आधे रह गए यार आप खुद भी चेकआउट कर लेना, ठीक है, मैं सभी नहीं बताता बिकॉज मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, जो मेन होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप सैमसंग लवर हो, सैमसंग की और जाना चाहते हो, सैमसंग का फ़ोन सर्च आउट कर रहे हो, स्लिम फ़ोन भी सर्च आउट कर रहे हो, प्लस आपको स्टाइलिश डिज़ाइन चाहिए, लोग पसंद मैसेज आया लोग पसंद करे ऐसे आप फ़ोन वगैरह सर्च आउट कर रहे हो, तो आप इसकी और जा सकते हो, दी बेस्ट है आपके लिए, ठीक।
तो यार मैंने आपको पांच फोन बता दिए जो कि दी बेस्ट स्लिम फोन है इस मंथ के या इस ईयर के। अगर आप इनमें से कोई भी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, देखना चाहो तो देख सकते हो, आपके लिए दी बेस्ट है, ठीक है। तो यहीं पर मेरी वीडियो हो जाती है यार ख़त्म। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी यार लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, एंड दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, एंड इंस्टाग्राम पे कर ले फॉलो। तो यार अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।